आपने सिल्क के सुंदर कपड़े तो बहुत देखे होंगे, पर इनके पीछे सिल्क वॉर्म को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये हैं सिल्क वॉर्म के अंडे। अंडों से निकलता है लार्वा। लार्वा को हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं। लार्वा लगातार मलबेरी लीव्स खाता रहता है। ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। किसानों को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसी वजह से सिल्क वॉर्म जंगल में नहीं पाए जाते। ये पूरी तरह से इंसानों पे डिपेंडेंट होते हैं। कुछ दिन मलबेरी लीव्स खाने के बाद लार्वा अपने आसपास एक कुकून बनाने लगता है। कुकून ही बेसिकली सिल्क होता है। जब लार्वा कुकून में आ जाता है तो उसे प्यूपा कहते हैं। 16 दिन तक कुकून में रहने के बाद वो एडल्ट बन जाता है। कुकून से बाहर आने के बाद उसे मॉथ कहते हैं। जब मॉथ कुकून से बाहर आता है तो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे कुकून कट जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। ये चीज किसानों को पसंद नहीं है, इसीलिए वो मौत को बाहर आने से पहले ही कुकून को गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि मौत मर जाए और वो आराम से सिल्क निकाल सके। प्यूपा को मारने के प्रोसेस को स्टिफलिंग कहते हैं। कुछ ऐसे भी सिल्क होते हैं जिसमें प्यूपा को बाहर आने दिया जाता है और उसके बाद कुकून से सिल्क निकाला जाता है।